मैंने हमारे बर्थडे पे मुझे ये फ्रेम भी गिफ्ट किया था कि हमारी ब्यूटीज चेक करो, वो कितने आराम से बैठ के खा रहे हैं। मुरादाबाद। ये है सृष्टि, वो है गौरी, मेरी फ्रेंड्स। कौन आया मेरे को लेने का? वीडियो कैसे हो आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। आज आपको दिख ही रहा होगा मैं हॉस्टल के रूम में हूँ, तो मुझे यहाँ पे 3 दिन हो गए हुए आए हुए। तो अभी मेरे साथ मेरी फ्रेंड है, उनसे मैं आपको बाद में मिलवाऊंगी। आधे घंटे के बाद मेस में भी खाना खाने जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले चाय पीते हैं फिर हम चलेंगे मेस, क्योंकि आज की क्लासेस हमारी 9 बजे से शुरू है। तो फिर जब हम मेस जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे है सब कुछ, आपको मैं हॉस्टल भी दिखा दूंगी कैसे है। तो आप देख सकते हो ये है रूम, मेरे साथ वाली अभी रूममेट आई नहीं है, वो भी जल्दी आ जाएगी। तो ये बेड है, यहाँ से बाहर ऐसा व्यू है। अभी हम आसपास तो करके रेडी हो रहे हैं, चाय वगैरह हमने पी लिया, तो अभी हमें मेस जाना है, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद 9 बजे हमारी क्लासेस हैं। ऑलरेडी 8 बज चुके हैं, तो अभी हम फटाफट रेडी होंगे, मेस जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे हमारी मेस कैसी है और बाहर का कॉरिडोर वगैरह सब दिखाऊंगी मैं आपको। सो गाइस, ये है सृष्टि, वो है गौरी, मेरी फ्रेंड्स। तो हम हो चुके हैं रेडी, अभी हम जा रहे हैं मेस में ब्रेकफास्ट करने, तो चलो चलते हैं। ये रहा हमारा हॉस्टल का कॉरिडोर, यहाँ से स्टेयर्स है नीचे, हमारा हॉस्टल 3rd फ्लोर पे। तो अभी फटाफट चलते हैं, आपको मेस भी दिखाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी मेस का गंदा खाना खाने, देखते हैं आज क्या बनाया। कल का डिनर और लंच तो काफी सही था, अब आज देखेंगे आज हमें क्या मिलेगा, आपको भी दिखाते हैं क्या है बना हुआ। गाइस, ये रहा यहाँ का परांठा और ये रही चटनी। क्या कभी कभी यहाँ पे इतना अच्छा खाना होता है और कभी कभी इतना गंदा होता है ना, बिल्कुल मूड नहीं करता खाना खाने का। अब हम खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से क्लास के लिए, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। गाइस, हम ऐसे यहाँ पे आ चुके हैं, अब हम अपनी क्लास का वेट कर रहे हैं, तो सर जैसे आते हैं तो हम क्लास में चले जाएंगे। 96, 98। आप व्यू चेक करो, यहाँ पे पहले इतनी ज्यादा धूप थी, अचानक से इतना अच्छा मौसम हो गया। तो ये रहा मेरा कैंपस, यहाँ पे मेरा डिपार्टमेंट है और यहाँ पे मेरी क्लासेस वगैरह लगती है। दिस इज गौरी जान, ये आई है यूपी से। यूपी कहाँ से हो? मुरादाबाद। तो अभी आपको सरप्राइज का तो मैं बाद में बताऊंगी, तुम्हें पता है तो चल ही जाएगा। अबे मेरे वो कैप चल गई, ये बस यहाँ की हमारी ब्यूटीज चेक करो, सुंदर सुंदर ब्यूटीज, हमारी सुंदर सुंदर ब्यूटीज। अपने रूम में वापस आ चुकी हूँ, क्लासेस वगैरह हमने अटेंड कर ली। सो लंच भी हम कर रहे थे, क्योंकि मेस टाइमिंग हमारा है 1 बजे से 2 बजे तक आई थिंक। खाना वगैरह हमने खा लिया है, तो ठीक ही था यार। तुम्हें मैं बता दूँ मेस का खाना है, जिसको पता होगा जो हॉस्टल में रह चुका है या जो रह रहा है तो कैसा होता है सबको पता है, बट हाँ खाना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, और कुछ तो खाएंगे नहीं ना। मेरा फर्स्ट डे तो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से निकला था, क्योंकि मैं तो सोई ही नहीं थी यहाँ पे आके, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। अचानक से जगह चेंज हुई तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, और बहुत ज़्यादा याद आ रही थी घर वालों की। तो मम्मा पापा जब मेरे को छोड़ के गए थे तब तो उनका भी रोना निकला था, मेरा भी रोना निकल गया था। मैं गुफी को भी यहाँ पे लाई थी अपने साथ मुझे ड्रॉप करने के लिए, तो वो भी नहीं जा रहा था। यहाँ पे बच्चे तो बहुत ज़्यादा घुल मिल गए थे गुफी के साथ, क्योंकि 1-2 घंटे तो यहाँ पे लगे थे उनको, बहुत अकेला फील हो रहा था मुझे। बट यही है यार, एडजस्ट तो करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, पढ़ना भी तो है ही जरूर। आज का सरप्राइज भी मैं आपको जल्दी बताऊंगी क्या होने वाला है। जब मैंने आना था मानिक, और मेरा मूड बहुत ही ज्यादा ऑफ हो गया था, मानिक जब वीडियो बना रहा था मेरा उसी टाइम रोना निकल गया था, मैंने उसको बोला बंद करते प्लीज। तो वो वाला ब्लॉग तो ज्यादा लंबा पड़ना नहीं था मानिक का, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था कि यार आज तक इतनी दूर नहीं गई थी तो अचानक से इतनी दूर आना पड़ा, मिल भी नहीं सकते, ऐसे कभी मिलना होता तो 5 मिनट में पहुँचती थी। तो यहाँ से तो लगभग 1 घंटे का रास्ता तो है ही है, बट जाना कैसे है, यहाँ पे हॉस्टल में परमिशन लेनी पड़ती है, गेट पास वगैरह चाहिए होता है, तो वो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब वीकली मैं सैटरडे संडे तो घर जा सकती हूँ, अब ये नहीं पता कि हर सैटरडे संडे भेजते हैं नहीं, वो भी कन्फर्म इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया हमें। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, अभी वाईफाई का पासवर्ड नहीं मिला है हमें, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि अपना नेट नहीं चलता और यहाँ पे जियो के नेटवर्क्स तो बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं। तो वेदर अच्छा होता है, बारिश वगैरह पड़ी होती है, तो यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। वो जिस दिन वेदर अच्छा होगा उस दिन मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी मैं आपको अपनी अलमीरा दिखाती हूँ, उन्होंने कैसे सेट की है। ऐसे मैंने अपनी अलमीरा सेट की हुई है पूरी, कि सब सामने आराम से मिल जाए। हाँ, मैं सबसे अपनी फेवरेट चीज़ दिखाती हूँ इस रूम में, मैंने क्या रखी है, मैं स्पेशली घर से लेके आई थी। तो ये फ्रेम जो मुझे मेरे बर्थडे पे मानिक ने गिफ्ट किया था, ये मैंने दिखाया नहीं था, तो मैं दिखाती हूँ अच्छे से। मानिक ने मेरे बर्थडे पे मुझे ये फ्रेम भी गिफ्ट किया था, आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं होगा। सो ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो तभी मैं अपने साथ ले आई यार कि कुछ तो लेके जाऊँ अपने साथ। मैं सोच रही थी कि ये वाली साइड में छोटे फोटोग्राफ्स के प्रिंट आउट्स निकाल के यहाँ पे पिन कर दूँ, घर वालों की भी, गुफी की भी, मानिक की भी। तो यहाँ पे फोटोज मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी, और बैक साइड पे हम वहाँ पे लाइट्स लगाएंगे, जो लाइट्स आती हैं। 3 दिन के लिए हम आज़ाद हो रहे हैं, हमें फ्रीडम मिल रहा है, हम घर जा रहे हैं।
तो बाय बाय कर दो। बाय। यहाँ पे स्प्रिंग रोल, मैगी, मोमोज, तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी है, कोकोनट वाटर भी है, तो फटाफट अपना जूस पीते हैं हम ठंडा ठंडा। यहाँ पे बंदर ही बंदर दिखते रहते हैं हर जगह पे, देखो छोटे छोटे से, और डर लगता है ये रूम में ना आ जाए क्योंकि हॉस्टल में घूमते रहते हैं। तो ये रहे सब, हमने जूस वगैरह पी लिया, अब हम जा रहे हैं वापस हॉस्टल। गाइस देखो हॉस्टल के स्टेयर्स पे देखो कितने आराम से बैठ के खा रहे हैं। हाय गाइस, मेरा BTS शूट हो रहा है यहाँ पे। लोगों का वेट खत्म हुआ, अब आपको बताती हूँ आपका सरप्राइज क्या। फटाफट बाहर चलते हैं पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ आपके लिए सरप्राइज क्या था। देखो कौन आया मेरे को लेने, गाइस देखो कौन लेने आया मेरे को। हाय मानिक, चार दिन बाद मिल रहे हैं, तो अभी हम मारेंगे मानिक से गप्पे क्योंकि हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा बातें करनी है। आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर दूंगी, आगे की वीडियो आगे की वीडियो आप मानिक के व्लॉग में देख लेना, या तो आपने देख ली होगी क्योंकि या तो मैं पहले व्लॉग डाल दूंगी या तो मानिक का पहले आ जाएगा। तो मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं ऐसे मस्त से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। I'm stuck.